हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सबको मेरी तरफ से बहुत अस्सलाम वालेकुम। और मैं हूं निदा, मैं सऊदी अरब में रहती हूं। आज छोटे छोटे ब्लॉग्स और अच्छी अच्छी रेसिपीज देती हूं आप लोगों को। बस देखें, आज मुझे बुखार था काफ़ी, गला ख़राब था, तो बस मैं अपने लिए मेडिसिन ले रही थी और मैंने देखें पूरा कैबिनेट मेडिसिन से भर दिया है, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत बीमार हो रहे हैं, मौसम चेंज हो रहा है और उन्हीं से मुझे वायरल इन्फेक्शन लगा है। बच्चों से, बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ से फिर घर लेके आ जाते हैं। बहरहाल, तो मेरा कोई ख़ास दिल नहीं चाह रहा था खाने का, तो मैंने फिर अपने लिए फ्रेश ऑरेंज जूस बनाया था और ऑमलेट सिंपल सा बनाया था, क्योंकि इस तरह का नाश्ता इंसान कर सकता है। ब्रेड और इस चीज़ें तो बुखार में नहीं खाई जाती। तो बस मैंने लाइट सा नाश्ता किया था, मेडिसिन ली थी और उसके बाद मैं आपको देखें बहुत ही मज़े की केक की रेसिपी दे रही हूँ, जो कि मैंने अपने हस्बैंड आमिर की बर्थडे पे बनाया था। और इत्तेफाक यह हुआ कि जब मैंने बनाने के लिए सोचा तो चॉकलेट घर में नहीं थी, बस हम लाना भूल गए, लेकिन बस मैंने फिर जल्दी से बना लिया बगैर चॉकलेट के ही। तो कभी आपके साथ भी हो और बहुत ही ज़्यादा अच्छा केक बना तो ज़रूर ये वाला केक ट्राई करें। और जो सब चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ, ये मैंने स्टार्ट में देखा था, आपने सब चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं, तो बस मैं आपको दिखा रही थी। देखें जल्दी जल्दी मैंने बनाया था एक्चुअली, तो बस मैंने आपके साथ शेयर किया है। देखें, बस मैंने ज़रूर छान के आपने ऐड करना है मैदा, ताकि फिर एक फ्लफी सा केक बने। और ये हमेशा ये वाला केक इस तरह का है कि हमेशा बहुत अच्छा बनता है जब कुछ समझ में ना आए आपके। सॉरी। तो बस जल्दी से रेसिपी नोट कर लें कि बस आपने देखें इसके अंदर सब चीज़ें ऐड कर देनी है, जिसमें नमक भी ऐड करें, बहुत एहतियात से ऐड करिएगा। और दूध जो ऐड किया है 1 कप वो ज़रा नीम गर्म ऐड करना है। और बस देखें, बस सब चीज़ें एक बाउल लें आप और सब चीज़ें उसमें ऐड कर दें। कोई आपको बहुत ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। और 2 अंडे ऐड कर दें और बस एक बाउल में आप सब चीज़ें ऐड करें, उसको अच्छी तरह बिल्कुल मिक्स करें और फिर ओवन में बना लें आप ये। और ओवन में इसका आपने टेम्परेचर इस तरह रखना है कि 240 पे आप 40 मिनट के लिए रखेंगे, तो बहुत बहुत ही अच्छा केक रेडी हो जाता है। और चीनी यहाँ पे बिल्कुल बारीक वाली आती है सऊदी अरबिया में, अगर किसी के पास बहुत ही मोटी चीनी है तो फिर वो उसको थोड़ा सा पीस के ऐड कर ले। बस यहाँ पे तो बहुत एक बारीक सी चीनी आ रही है आजकल, तो वही मैंने ऐड की है। थोड़ा सा देखिए, मैं इसके अंदर एग बीटर से अच्छी तरह बीट कर रही हूँ, अगर किसी के पास एग बीटर नहीं है तो फिर वो हाथ से भी अच्छी तरह मिक्स कर सकता है, स्पून से कर लें, क्योंकि बस इसका मकसद बस हल्का सा बस इसको मिक्स करना है। कोई ये टेंशन का केक नहीं है, बहुत ही सिंपल केक है। और ये होता है ना कि कभी किसी के बर्थडे आ जाती है तो फिर सोचता है इंसान, लंबी लंबी रेसिपीज़ देखता है और फिर इतनी लंबी मुश्किल रेसिपीज़ होती हैं कि दिल ही नहीं चाहता, ये इंसान सोचता है चलो फिर मार्केट से ही लेके आ जाते हैं। तो ये ऐसा केक है, अगर आपने एक बार ट्राई किया तो कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आपने घर पर बनाया, इतना अच्छा टेस्ट बनता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप कोई इसी सांचे में बनाएं, किसी भी सांचे में बना सकते हैं। अगर किसी के पास नहीं भी है तो जिसमें हम बर्फ़ जमाते हैं, जो सिल्वर के हमारे बर्तन होते हैं, उसमें भी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा केक है, जिस मर्ज़ी बर्तन में बनाएंगी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, तो ज़रूर ट्राई करें। और बस मैं इसमें बना रही थी, हल्का सा डस्ट कर लिया था मैंने मैदा, और हल्का सा ऑयल लगा के डस्ट कर लिया मैदा। उसके बाद जब हम बेक करेंगे तो बहुत माशाल्लाह देखें अच्छा ये बेक हो गया है केक। बस इसके बाद देखें, आपने गरम गरम इस तरह करके रख देना उल्टा करके, ताकि बहुत आराम से फिर निकल जाता है। और ठंडा करके या आपने आइसिंग जो भी इसके ऊपर लगाना चाहें वो भी मैं आपको बताती हूँ कि बिल्कुल बगैर चॉकलेट के बहुत अच्छी बन जाती है। पर इसके लिए आप मक्खन ले लें, 3 से 4 टेबल स्पून मक्खन ले लें। उसके अंदर मैंने पिसी हुई चीनी ऐड की है, सेम ही ऐड करें, और कोको पाउडर 2 टेबल स्पून ऐड किया है, थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करें, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आपको लगता है बहुत थिन सा हो गया ये, तो थोड़ी सी चीनी पिसी हुई और ऐड कर लें, और आप देखेंगे बहुत ही और अच्छी सी एक आइसिंग बन जाती है। और गर्म पानी ऐड करना है 1 टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून के दरमियान, और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो बहुत जितना केक बनाएंगे आप, जितनी मतलब चाहते हैं फ्रॉस्टिंग वगैरह, तो फिर उसके मुताबिक आप बना सकते हैं। देखें सिंपल सी फ्रॉस्टिंग है बगैर चॉकलेट के, तो ज़रूर ट्राई करें। और जब अगर आपने ये एक मरतबा ट्राई कर लिया केक, तो फिर आप यही केक बनाया करेंगे, क्योंकि बहुत क्विक बन जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की आप आइसिंग वगैरह करें, कुछ भी अगर चॉकलेट है तो फिर चॉकलेट सिंपल उसके अंदर थोड़ा सा मक्खन ऐड करके माइक्रोवेव में रख के, और उससे भी बना सकते हैं आराम से। देखिए कुछ स्ट्रॉबेरीज़ हैं जिसमें मैंने इसको, जो मैंने आइसिंग बनाई थी इसमें डिप करके, वो बस मैंने रख दिए थे। एक हल्का सा डिज़ाइनिंग बनाना मैंने सोचा, थोड़ा सा ज़रा ख़ास होना चाहिए क्योंकि हस्बैंड की माशाल्लाह बर्थडे थी। तो बस देखें, और एक बात ख़ास बात के जो केक है उसमें 1/2 कप दूध में 2-3 टेबल स्पून चीनी ऐड करके वो मैंने इसके अंदर केक में ऐड करके, और इसको 1 घंटा फ्रिज में रखा था। वो क्लिप पता नहीं मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो सका। तो ये ज़रूर आपने स्टेप करना है,
जब केक ठंडा हो जाए अच्छी तरह बेक होने के बाद, तो आधा कप दूध लेके उसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून चीनी अच्छी तरह मिक्स करके वो इसके ऊपर पूरा आप इसमें लगा दें ताकि अच्छा सा जब्स हो जाए बहुत, उससे फिर बहुत अच्छा सा केक सॉफ्ट सा बनता है। उसके बाद 1 घंटा जब फ्रिज में रखेंगे उसके बाद फिर आपने आइसिंग करनी है वाली। तो अगर वो वीडियो मुझे मिली मोबाइल में कहीं, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी वो फ़िलहाल वीडियो मुझे, मैंने काफ़ी ढूंढी लेकिन नहीं मिली। तो ये आपने स्टेप ज़रूर याद रखना है। तो बस बहरहाल जो भी, ज़रूरी नहीं है आप इस तरह का कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहे, मर्ज़ी आपके। कुछ स्प्रिंकल्स रखे हुए थे चॉकलेट के, वो मैंने ऐड कर दिए इसके अंदर, और बच्चे इस वक्त स्कूल गए हुए थे, मैं पूरा फोकस करके जल्दी जल्दी बना रही थी केक क्योंकि मुझे अभी खाना बनाना था। तो बस फुल स्पीड से मैं बना रही थी, बहुत जल्दी से बन जाता है केक ये। और फ्रॉस्टिंग आपने अच्छी तरह केक ठंडा हो जाए उसके बाद करनी है। बच्चों की ही चॉकलेट रखी थी थोड़ी सी, मैंने सोचा कि चलो ये थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ। और इस तरह माशाल्लाह ये केक रेडी हो गया, जो कि बहुत ही अच्छा हो जाता है। और आगे जाके जैसे 2-3 दिन बाद ये और मज़ेदार हो जाता है। तो बस देखिए, बच्चों ने माशाल्लाह कुछ कार्ड्स वगैरह बनाए हुए थे आमिर के लिए। तो बस इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, बच्चे थोड़ा बहुत इस तरह कर देते हैं। और हस्बैंड कभी भी बर्थडे का जो गिफ्ट है वो बिल्कुल भी लेना पसंद नहीं करते, कुछ भी उनको दो। जैसे मैं ज़ाहिर है यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करने नहीं जाती, लेकिन उनसे कहती हूँ चले आपके लिए गिफ्ट लेके आते हैं, तो नाराज़ हो जाते हैं। तो आप बताएं कि आपके हस्बैंड किस तरह के गिफ्ट लेना पसंद करते हैं या नहीं। तो बस देखें, इसके साथ ही देखें कितना अच्छा सा मैंने पीस कट करके आपको दिखाया है कि कितना अच्छा सा पीस है, और बिल्कुल ये खाने में बहुत मज़े का है। मेरा ख्याल है काफ़ी मैंने आज बोल लिया है और ये काफ़ी बच गया था। तो ये बड़े साइज़ का केक बनता है जिसको आप कई दिन तक इंजॉय कर सकते हैं। अगर किसी की छोटी फैमिली है तो इस रेसिपी को हाफ़ कर लें आप। और माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना था, ये नहीं कि मैंने बनाया है, वाकई जब आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत मज़े का लगेगा क्योंकि बहुत ही आसान है। जब जैसे आप इसको बेक करेंगे ये ऐसा परफेक्ट बेक होगा, कोई कच्चा नहीं रहेगा अंदर से, बिल्कुल अच्छा सा राइज हो जाएगा। तो ज़रूर ट्राई करें और करता है कि कैसी लगी आपको केक की रेसिपी। और ये 4 साल पहले मैंने ये वाला केक बनाया था जब मेरा चैनल नहीं था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँगी, बाकी तो फिर आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। इसके अलावा मैंने पुलाव बिरयानी बनाई थी जो कि बहुत मज़े की बनी थी देगी स्टाइल में, उसकी भी इंशाल्लाह रेसिपी नेक्स्ट व्लॉग में आपको दूंगी। और बस ये छोटा सा व्लॉग था जिसमें मैंने आपसे बहुत अच्छी आसान से केक की रेसिपी शेयर की, ज़रूर ट्राई करिएगा।